ज्योति भवन का गोल्डन जुबली धन्यवाद मिशा में मैं स्वागत करता हूँ। प्रेरित चरित्र अध्याय 13 पद संख्या 47 में हम पढ़ते हैं, मैंने तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दिया है, जिससे तुम्हारा द्वारा मुक्ति का संदेश पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। बीते 50 साल प्रभु हमारे कलिशिया के दीपक बनने और हमें भी एक दीपक की तरह जलने के लिए शक्ति प्रदान किया है। आइए इस गोल्डन जुबली दीपक को प्रज्वलित करते हुए इस जुबली को शुभारंभ करें और इसी दीपक की तरह हम सदा जलते रहें, परिवार में, पल्ली में, समाज में और देश में, और उसी रोशनी को हर दम देते रहे हैं। फादर लुइस फेरेरा एसपीडी, रेवरेंड फादर क्रिस्टोफर एसपीडी, रेवरेंड फादर बार्थोलोमियो बिलो, रेवरेंड फादर अनिल कुमार कुचूर, रेवरेंड फादर जॉन डुंगडून, Reverend Father Philip Kuchur, Reverend Father Johnny Anthony, Reverend Father Albert Hess, Father Joachim Lynch, Father Ignacio Sore, Father Joseph Topno SBD, Father William Kullu, Father Marcel Kuchur SBD, Reverend Father Charles Cyprian Topno,
Reverend Father Basil Kullu, Reverend Father Alphonse Topo, Reverend Father Alexius, Reverend Father Suresh Meech, Father Paulus Eka, Reverend Father Albinus Finch, Mr. Clement Kullu, Mr. Stanislas Parlan, Mr. Christopher Majur, Mr. Ignaz Hasta, Mr. Velaram Bilum, Mr. Patrick Topo, Mr. Deosai Kerketa, Mr. Basant Nilum, Mr. Vijay Soy, Mr. James Samant, Mr. Amson Kiro, Amundsen Kiro, Mr. Lazarus Soren, Mr. Jugal Tete, Mr. Vinod Lakran, Mr. Vijay Meech, Mr. Manoj Kullu, St. Joseph's Convent is superior, Holy Cross Convent is superior, Handmaids of Mary Convent is superior, Charity Convent is superior, JMJ Convent is superior. यदि superior नहीं है तो कोई representative भी आ सकते हैं. Brother Kuldeep Parla, Brother Asis Jang, Brother Kuldeep Beg, Brother Jai Satish Hindu, Father Albinus Marwa, Father Vinendro Tirki, Father Amrit Dumdum, Father Roshan Topo, Father Rupus Kiro, Father Pedian Tete, Father Anu Bilum, Father Petru Soreng, Father Nawaz Topo. Father Emmanuel Topo SBD, Jyoti ke rector aur Divya Jyoti ke rector Dipaya aake deep prajwalan ke liye hame sahayata karein.
पर आप लोगों को विश्वास द्वारा प्रचुर आनंद और शांति प्रदान करें, जिसे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आप लोगों की आशा परिपूर्ण हो। रोमियो 15:13। अविभाजित संबलपुर धर्म प्रांत और सोसाइटी ऑफ द डिवाइन वर्ड्स से संबंधित पहले बैच में 9 उच्च विश्वविद्यालय के छात्र थे। छात्रों ने उच्च विश्वविद्यालय की पढ़ाई के लिए जीएम गंगाधर मैरिज कॉलेज संबलपुर में प्रवेश लिया। संस्था का नाम ज्योति भवन प्रकाश का घर था। प्रवेश जोहान के सुसमाचार 8:12 में कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूं। इसीलिए ज्योति भवन के निवासियों को ईश्वर के प्रकाश से प्रकाशित होकर दूसरों को प्रकाशित करना है। हालांकि संबलपुर धर्म प्रांत 1951 में स्थापित किया गया, लेकिन माइनर सेमिनरी का सपना 17 साल बाद ही पूरा हो पाया था। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकास अपने पवित्र सुसमाचार लेख में 6 अध्याय में कहते हैं, अच्छा पेड़ अच्छे फल देते हैं, अच्छा पेड़ अच्छे फल ही देते रहते हैं। और इतिहास से हम सुने, ज्योति भवन रूपी के एक सुंदर पेड़ इतने सुंदर फल दे रहे हैं और दिए हैं, जो कि भारत में और भारत से बाहर भी वही सुंदरता सुंदर फल पवित्र आत्मा के गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट बांटते जा रहे हैं। सुंदर इतिहास में इसी में सबसे पहले लिखे हैं, 3 बिशप बने, 149 पुरोहित बने, इस प्रकार से और बहुत सारे ज्ञानी मानी रेस्पेक्टेड अपने अपने जगहों में वही सुंदरता को बांटते जा रहे हैं। इतने महान कार्य ज्योति भवन द्वारा हुआ है और हो रहा है, होगा ही। एंड ज्योति भवन हैज बिकम लाइट ऑफ द वर्ल्ड। आपके लिए निरय शब्द नहीं है, बल्कि उन पर आपका जीवन निर्भर करता है। प्रभु हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में आनंद जीवन का संदेश है। Hare 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 Hare
सातवां से बात तुम्हारे लिए जयंती बात होगा। इसमें तुम ना तो बीज बोओगे, ना पिछली फसल कटोगे और ना अनछटी दखलाओं को अंगूरी तोड़ोगे, क्योंकि यह जयंती वर्ष है। तुम इसे पवित्र मानोगे और खेत में अपने आप उगी हुई उपज पाओगे। ईश्वर की आशीर्वाद हो कि आप हम सबों के लिए हमारे यही प्रिय ज्योति भवन अनुष्ठान के गोल्डन जुबली समारोह के पवित्र बेला में ईश्वर की पवित्र वाणी को योग्यता से विश्वास के साथ घोषणा करें। पिता और पुत्र और पुत्र आत्मा ईश्वर की आशीर्वाद हो। किसी बात की चिंता ना करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करें। मैं सच्ची दासलता हूँ और मेरे पिता भगवान है। वह उस डाली को जो मुझ में नहीं पलती काट देता है और उस डाली को जो पलती है छांटता है, जिससे वह और भी अधिक फल उत्पन्न करें। आज हमारे लिए विशेष करके जीवियन और ज्योतिवान के लिए, ज्योतिवान में जो भी पुरोहित जुटे हुए थे घर को बनाने में और घर को चलाने में, सबके लिए इस खुशी के दिन में हम लोगों का मन, हम लोगों का शरीर और हृदय फुला नहीं समाता। करण की आत्मा के दिव्य ज्ञान और प्रेम से परिपूर्ण होकर अपने धर्म कार्यों में प्रचुर कृपा और सफलता पा सके और हरेक विश्वासियों और गरेरियों को सुसमाचार की ज्योति दिखा सके और प्रभु यीशु की मुक्ति का संदेश सबको सुना सके। पिता ईश्वर कृपया यह चिन्ह ग्रहण कीजिए। शारीरिक कमजोरी और मानसिक उलझन से उनकी रक्षा कीजिए। उन्हें लंबी आयु तथा आरोग्य प्रदान कीजिए। उनके परिवार को स्नेह, शांति एवं खुशी से पूर्ण कीजिए। उनके जीवन के हर पल उनके साथ रहिए और उनके प्रतिदिन कार्यों में सहायता कीजिए, ताकि वे अपने जीवन के शिक्षा कार्यों में ईमानदार और नेक बने रहें। पिता ईश्वर कृपया या चिन्ह ग्रहण कीजिए। और जिस तरह पेड़ हमें विभिन्न ऋतुओं में
भिन्न भिन्न प्रकार के फल प्रदान करती है, उसी तरह वे भी अपने जीवन में अधिक से अधिक मात्रा में फल उत्पन्न कर सके और विश्वास में मजबूत और अडिग बना रहे। पिताईश्वर कृपया या चिन्ह ग्रहण कीजिए। पिताईश्वर, यह घर तेरे प्रेम शांति एवं आनंद का भवन बने। जिस प्रकार तूने जकेस के घर को आशीष दी, उसी प्रकार इस भवन को भी आशीष दे, ताकि यह ज्योति भवन दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सके। पिताईश्वर कृपया यह चिन्ह ग्रहण कीजिए। शांति राउर राज में है, जहां तुझ गानो जीता और राज्य करता है। समाप्त हो जाए तो आप लोग भी उल्लास पूर्वक ख्रीस्त को प्राप्त कर पाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप सबों को प्राप्त हो और वही आशीर्वाद सदा सर्वदा आप लोगों के साथ निवास करे।